मैं पूछना चाहूंगा कि मौसम जो है, अभी आपने जैसे बताया कि 24 तारीख के बाद से मौसम सही होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, क्या कारण रहेगा कि इतनी गर्मी पड़ रही? देखिए, जो गर्मी होने का कारण तिवारों का कारण ये कि जो प्री मानसून की बारिश मार्च अप्रैल और मई में हो जाती थी, तो होता क्या था, जब एक बार बारिश हो जाती है तो 7 से लेकर 10 डिग्री तक तापमान गिर जाते हैं और फिर उनको ऊपर चढ़ने में एक हफ्ते का टाइम लगता था। लेकिन अब की बार क्लाइमेट चेंज का असर है कि हमारे पूरे कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में मानसून की प्री मानसून वाली बारिश नहीं हुई है, जिससे लगातार करीब 56 दिन से तापमान 40 के ऊपर चल रहे हैं। और इस तरह के तापमान चाहे किसान हो, चाहे हमारा रेड़ी लगाने वाला हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे खेती के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होते हैं, और इसका कारण ये है। और मानसून का जो आने का टाइम है वो वैसे भी कानपुर मंडल में जून लास्ट तक आता है और 24-25 को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। ये स्थिति अभी भी है कि 23-24 को प्रवेश कर जाएगा, लेकिन लगातार जो गर्मी का कारण है वो कारण यही है कि प्री मानसून की बारिश बिल्कुल बहुत कम दर्ज की गई है पूरे उत्तर भारत में और कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपने बताया कि थोड़ी गर्मी पड़ रही है, इससे बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, मानस परेशान बिल्कुल। देखिए, सबको सलाह दी जाती है कि घर से निकले तो पानी पीकर निकले, पानी लेकर निकले, अंगोछा, कैप और छाते का प्रयोग करें, और इसके साथ ही बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग 11 बजे से 3 बजे तक इस स्थिति में बाहर निकलने में परहेज करें। बीकानेर, जयपुर, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और पूरे बिहार, बंगाल तक ये थार मरुस्थल और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं लगातार पूरे इस क्षेत्र में 40 और 45, 46, 47 वाले टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए हैं। ये स्थिति पूरी कोटा, झांसी, सिंगरौली, इलाहाबाद सारे इस बीच वाले इलाके में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। और अभी भी आप देखिए, इस पूरे हफ्ते में कहीं कहीं बादल आएंगे तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होंगे, उसके साथ अरब सागर से यह मॉइस्चर फील्ड भी आ रहा है जो उमस पैदा करेगा। टेम्परेचर तो 1-2 डिग्री कम हो सकते हैं लेकिन उमस बरकरार रहेगी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और नुकसानदायक हो सकती है। इस तरह की स्थितियां पूरे हफ्ते बने रहने की पूरी संभावना है। कैंसिल करो हमारे साथ।